देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उझौल में आम के एक बगीचे में मिट्टी से आधा ढका हुआ एक अज्ञात लाश मिला था 11 जून 2023 को। इस घटना में दो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तमाम घटना के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा सह प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने अपने कार्यालय पर पोस्ट में प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए तमाम घटना के बारे में जानकारी दी। 11 जून सुबह में दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर थाना क्षेत्र के उझौल से अहिला जाने वाली जो रास्ता है उसके बगल में आम के बगीचा से एक मिट्टी से आधा ढका हुआ एक अज्ञात लाश की सूचना स्थानीय चौकीदार के माध्यम से बहादुरपुर थाना को प्राप्त हुई थी। तो इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर के उसका पहचान स्थानीय लोगों तथा चौकीदार के माध्यम से कराया गया। तो जो मृतक हैं उनका पहचान भवन कुमार राय का पुत्र अमित कुमार एकमी घाट के रहने वाले थाना बहादुरपुर के रूप में पहचान किया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया जो मृतक था उनके शव का, और मृतक के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर सुसंगत धाराओं में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तो अनुसंधान के क्रम में वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया है। FSL का जो टीम है उसको मुजफ्फरपुर से क्षेत्रीय FSL का टीम को बुलाया गया। क्राइम सीन फोटोग्राफी किया गया है एवं तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से इस कांड का जो सफल उद्भेदन है वह किया गया है। तो घटना का जो कारण है वह यह है कि मृतक की सिस्टर का प्रेम प्रसंग चल रहा था सचिन नाम के व्यक्ति का पिता धनंजय सिंह, यह इस केस के नामजद अभियुक्त भी हैं। तो इस घटना का विरोध मृतक के द्वारा किया जाता था इस प्रेम प्रसंग का, तो उसी के प्रतिशोध में सचिन कुमार पिता धनंजय सिंह के द्वारा जो है अपने सहयोगियों के माध्यम से चार कुल व्यक्तियों के द्वारा जो है यह घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें से कुल दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार व्यक्तियों में जो हमने गिरफ्तारी के पश्चात उनका उम्र सत्यापन किया तो इसमें नाबालिग हैं दोनों व्यक्ति। तो जो विधि विरुद्ध किशोर हैं उसमें एक है कृष कुमार पिता ललन शाह और दूसरे हैं अंश झा पिता स्वर्गीय उग्रनाथ झा। ये दो व्यक्तियों को हम लोगों ने अभी रक्षा में लिया है और हम लोग इन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किशोर न्याय परिषद के समक्ष उपस्थापित आज करेंगे। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर भ्रमण कर FM सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा जिनमें पानी बिजली शौचालय रैम्प शेड की व्यवस्था शामिल है को दुरुस्त करवा लेने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदाता सूची के अनुसार मतदान केंद्रों की दूरी रखने एवं मतदान केंद्रों का नामांकित करवा लेने के निर्देश दिए। इसे अभियान चलाकर 2 महीने में दुरुस्त कर लेने को कहा। इस प्रकार अभी से ही चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देने के निर्देश दिए। बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजीव झा राजा, जिला अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क NK गुप्ता एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। मनोरंजन ही मनोरंजन, अब आपके शहर दरभंगा पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है।
इस मेले में मीना बाजार बच्चों के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ साथ अनेकों प्रकार के लजीज व्यंजन भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए और मेला का आनंद उठाइए। दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन के तहत संभावित बाढ़ से निपटने को लेकर की जा रही तैयारी की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में वरीय उप समाहर्ता प्रभारी जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी सत्यम सहाय ने बताया कि सभी अंचलों में वर्षा मापक यंत्र कार्यरत है। सूखा राहत सामग्री का दर निर्धारित कर लिया गया है। जिले में कुल 42,917 पॉलिथीन शीट्स उपलब्ध हैं। समीक्षा के क्रम में पता चला कि कई अंचलों के पास पॉलिथीन शीट्स की उपलब्धता कम है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को 1,000 पॉलिथीन शीट्स रखने के निर्देश दिए। दरभंगा में 13 स्थलों पर बाढ़ आश्रय भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। सत्यम सहाय ने बताया कि 4 स्थलों के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, शेष में निर्माण कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त बाढ़ राहत शिविर के लिए 411 भवन एवं सामुदायिक किचन के लिए 541 भवन चिन्हित है। उन भवनों में से कई भवनों के समीप के चापाकलों की मरम्मति के लिए PHED की को सूचना दी गई है। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता PHED को यथाशीघ्र इन चापाकलों की मरम्मति करा देने का निर्देश दिया। सत्यम सहाय ने बताया कि जिला स्तर पर जिला आपातकालीन संचालन केंद्र सह जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे और 7 दिन कार्यरत है, जिसका नंबर है 06272245055। जिला अधिकारी ने इस नंबर का प्रचार प्रसार करवाने के निर्देश जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को दिए। साथ ही दोनों अपर समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी को समय समय पर नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण करते रहने के निर्देश दिए। बताया गया कि 550 निजी नाव एवं 172 सरकारी नाव उपलब्ध है। सभी नाव का पंजीकरण अंचलवार शिविर लगाकर यथाशीघ्र करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिए गए। साथ ही नाव में खाली गैलन, हवा भरा हुआ ट्यूब, बड़ी नाव में लाइफ जैकेट की व्यवस्था रहेगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग किया जा सके। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन एवं DPM को निर्देश दिए कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यकता का आकलन करते हुए विवेकपूर्ण ढंग से दवाओं का वितरण सुनिश्चित करें। बिजली विभाग को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में लटके तार, झुके पोल इत्यादि को दुरुस्त कर लेने का निर्देश दिया गया ताकि बाढ़ के दौरान पानी में बिजली की धारा प्रवाहित ना हो सके। सभी थाना एवं अंचल को बाढ़ के दौरान अपने अभिलेख सुरक्षित रखने के लिए स्थान चिन्हित कर लेने तथा FCI एवं SFC को अपने वैकल्पिक गोदाम की व्यवस्था कर लेने के निर्देश दिए गए। बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, जिला अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी अनिल कुमार, उपनिदेशक जनसंपर्क NK गुप्ता एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। हमारे यहाँ पे वर्षा मापक यंत्र खराब होने का रिपोर्ट किए थे जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अभी उन्होंने सभी का मरम्मत करा दिया है, चारों का मरम्मत हो गया है, अभी सभी अंचल में वर्षा मापक यंत्र कार्यरत है। सूखा रात का हम लोग निर्धारित कर चुके हैं। नेक्स्ट पे अंचल में पर्याप्त संख्या में नहीं, ये अच्छी स्थिति नहीं है। सभी अंचल के पास पर्याप्त मात्रा में पॉलिथीन होनी चाहिए। जिनके पास नहीं है वो हाथ उठा के बता दें कि अंचल मुख्यालय में उनके पास पर्याप्त मात्रा में पॉलिथीन नहीं है। श्यामपुर आपने ले लिया अनुमंडल से? ठीक, 500 से कम पॉलिथीन सीट है, ऐसे अंचल अधिकारी हाथ उठा सकते हैं। अलीनगर में 450 से है तो आप 300 और ले लीजिए अपने प्रखंड मुख्यालय से। अगर आपके पास जगह है तो, जगह है अवेलेबल, जगह है तो 750 करके स्टॉक मेंटेन करेंगे।
बार बैलेंस स्टॉक देख लीजिए, आप जनी घटना में भी हमको लगता है आपके यहाँ अच्छा खासा खर्च हुआ होगा। ठीक, ये बताइए जो तेरा बाढ़ आश्रय स्थल है, सब जगह कार्य हो रहा है? जिला दंडाधिकारी सह जोनल को ऑर्डिनेटर दरभंगा राजीव रोशन के आदेश अनुसार अनुमंडल दंडाधिकारी सदर द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पटना द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा का आयोजन 18 जून 2023 रविवार को दोपहर 11 बजे से 1:15 तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित 23 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाना है। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी दरभंगा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता धारा 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 गज की परिधि में 18 जून 2023 रविवार को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत सभी संबंधित परीक्षा केंद्रों के 200 गज के परिधि में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने या अन्य घातक हथियार विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं 7 बजे से 6 बजे तक ध्वनि विस्तारण यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शव यात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा। गेट है लगा देगा, एकदम आपका गेट जो है एंट्री है वहीं केओस किए हुए हैं, तो वो एक कर दीजिए। मुझे ठेला पंखा करने वाले लगाने से दिक्कत नहीं, बट 150-200 मीटर दूर लगाए वहां से काम कर कब आए उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वहां केओस नहीं करे। बाहर भी देख लेना है कि अन्य से सभी लोग नहीं रहे, ज्यादा संवेदनशील है तो बाहर में अगर कहीं कोई लगता है कि इसमें हालांकि गार्जियन वगैरह बहुत नहीं आएगा, फिर भी अगर आता है तो 100 मीटर दूर अगर कोई शेड है, कोई जगह है तो वहाँ अपना वेट करे, परीक्षा दे के खत्म होता भी अपना। मोटा मोटी इतनी बातें मुझे पर्याप्त प्रकाश के लिए व्यवस्था कर, गर्मी की बात हम लोग कर चुके हैं, पानी की बात कर चुके हैं, बेंच डेस्क जो बुनियादी सुविधा है वो पहले से ही देख लेना है कि पर्याप्त मात्रा में, और ट्रैफिक वगैरह के लिए जो SPO हैं और ट्रैफिक DSP हैं वो विशेष रूप से अपना काम कर रहे हैं। बाहर जो 200 मीटर का दायरा होगा, कई बार क्या होता है तो मैं पूछ लेता हूँ, इसका मतलब सब लोग समझ गए। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक का जनता दरबार का दिन था। वहीं पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से फरियादी पहुंचे थे। आए हुए फरियादी जमीनी विवाद के मामलों से लेकर मारपीट, अपहरण जैसे कई बातों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। वहीं आयोजित जनता दरबार में नगर पुलिस अधीक्षक सह प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने आए हुए तमाम फरियादों की वो बारी बारी से बुलाकर उनकी शिकायतें सुनी। प्रोफेसर डॉक्टर हरीश चंद्र उसानी की प्रथम पुण्यतिथि के पूर्ण अवसर पर आप समस्त मिथिलांचल वासियों का स्वागत है। दिनांक 18 जून रविवार को संध्या 4 बजे सुंदरपुर स्मृति भवन वार्ड नंबर 4 सानी लॉज के निकट उपस्थित होकर हमें आशीर्वचन देने का कृपा करें। निवेदक कृष्ण कुमार सत्यवादी उर्फ पप्पू सानी एवं समस्त सानी परिवार। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा
बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नेट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कुलपति आवासीय सभागार में सिंडिकेट सदस्यों की बैठक हुई। सबसे पहले अध्यक्ष की अनुमति से कुल सचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की विधिवत शुरुआत की। अध्यक्ष सह कुलपति ने नवनियुक्त कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित का स्वागत किया। साथ ही पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद को 2.5 वर्षों से अधिक समय तक विश्वविद्यालय में कुल सचिव के रूप में सेवा देने के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद विभिन्न प्रस्तावों पर विचार विमर्श किए गए। विद्युत परिषद की कार्यवृत्त के द्वारा अनुमोदित CM साइंस कॉलेज में BBA, BCA एवं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू कराने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर कुलपति ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया कि इससे संबंधित जितने भी कोर्स की सूची है उस सूची को संकलन कर लिया जाए। साथ ही मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल में सत्र 2023-24 से PhD कोर्स चलाने के संबंध में अनुमोदित प्रस्ताव के साथ MMDC एंड HCO रिसर्च सेंटर के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधानाचार्य को आगे की पूरी प्रक्रिया किए जाने तक नोडल अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया। इसके साथ ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को हिंदी विषय में स्वीकृत रिक्त पदों पर सहायक प्राचार्य के रूप में नियुक्ति एवं पदस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान के प्रबंध समिति में लिए गए निर्णयों को सर्वसम्मत से अनुमोदित किया गया। बैठक के अंत में डॉक्टर हरि नारायण सिंह, डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी एवं प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षक कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए कुलपति के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। अध्यक्ष की अनुमति से कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस बैठक में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी, डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, डॉक्टर अमर कुमार, डॉक्टर बैजनाथ चौधरी, डॉक्टर विजय कुमार यादव, डॉक्टर गणेश्वर प्रसाद सिंह और सुजीत पासवान आदि शामिल थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश से स्नातकोत्तर विभाग के शिक्षकों के ऑडियो वीडियो मुक्स लैब में चल रही कार्यशाला के 5वें दिन स्नातकोत्तर वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन विभाग, संगीत एवं नाट्य विभाग और गृह विज्ञान विभाग के शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें एडवांस रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, ऑडियो वीडियो लैब के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RN चौरसिया, ललित कला के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह, काव्य PG वाणिज्य के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, प्रोफेसर HK सिंह, संगीत एवं नाटकीय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पम नारायण, डॉक्टर दिवाकर झा, डॉक्टर निर्मला कुशवाहा, डॉक्टर आशीष कुमार झा, डॉक्टर प्राची मड़वाहा, डॉक्टर प्रगति, IT सेल के गणेश कुमार पासवान, मोहम्मद जहीरुद्दीन आदि उपस्थित थे। उद्घाटन संबोधन में प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि ऑडियो वीडियो लैब की स्थापना के कई उद्देश्य है, जिन्हें उच्च तकनीकी सक्षम तकनीकी टीम तथा सुयोग शिक्षकों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसमें हाई क्वालिटी के लेक्चर रिकॉर्ड किए जाएंगे ताकि वे अधिक से अधिक इम्प्रेसिव हो सके। उन्होंने कहा कि हम सब सेंटर में स्थापित विभिन्न लैबों की जानकारी शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों को अधिक से अधिक दें, जिससे कि वे इनका समुचित लाभ उठा सके।
स्वागत संबोधन में कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आर एन चौरसिया ने कहा कि ऑडियो और वीडियो श्रोताओं एवं दर्शकों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं क्योंकि ये समझने में आसान होते हैं। चूंकि ये मनोरंजन एवं पारदर्शी होते हैं इसलिए संवाद करने तथा दर्शकों से जुड़ने के बेहतरीन तरीके हैं और उनके बीच अधिक विश्वास भी पैदा करते हैं। गणेश कुमार पासवान ने बताया कि लैब में 30 से 40 मिनट के लाइव लेक्चर के साथ ही लेक्चर रिकॉर्डिंग भी होंगे। लैब में 3 कैमरों के साथ ही बेहतरीन लाइट व्यवस्था, टेलीप्रॉम्प्टर कैमरा तथा बड़ा स्क्रीन भी स्थापित है। इस अवसर पर प्रोफेसर पुष्पम नारायण, प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह, काव्या, डॉक्टर दिवाकर झा तथा धीरेन्द्र कुमार आदि ने कई प्रश्न पूछे जिनका संतोषजनक उत्तर तकनीकी टीम के सदस्य ने दिया। धन्यवाद ज्ञापन मुकुंद माधव ने किया। वह हमारी यूनिवर्सिटी के जो जी हाँ कॉपीराइट हमारी यूनिवर्सिटी की होगी और जो स्पेशलाइज किया गया है हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इस चैट प्लेटफॉर्म पे हमें उसको अपलोड करना है उसी प्लेटफॉर्म पे उसका लिंक आप सबों से शेयर किया जाएगा। और वैसे भी मुक्स में तो वो सभी से शेयर होता है, ये सभी उसको देख ही सकते हैं। मुक्स पे अगर जाता है जनरल भी अगर होगा तो वो आप सभी उसको फॉलो अप करेंगे देखेंगे, यह एक चीज़ महत्वपूर्ण है। दूसरा सर की एक छोटी सी ये चीज़ है कि हमारा जो भी रिकॉर्ड करवाने के लिए हमारा जो व्याख्यान होगा आप सभी शिक्षकों का उसको एक बार प्री अपने डिपार्टमेंट वाइज जैसा कि हमारे आदरणीय वो तो कमेटी या सर दो है उन्होंने कहा ही है उसको एक बार रिहर्सल किया गया हो जो प्री वो हो क्योंकि रिकॉर्ड कर लाइव में तो सर कोई बात नहीं है कि जब आप प्री ही होंगे उसमें जो भी होगा उसका तो कोई एडिशन एडिट करने वाला मुद्दा है ही नहीं। रिकॉर्डिंग में एडिट का मामला द्वारा ना आए इसके लिए आप पहले से अगर रिहर्सल करके आते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। रिकॉर्डिंग करने के समय क्या करके आना पड़ेगा, क्या पहले से कंटेंट्स बना लें हम उस पर भी दिखा सकते हैं और यहाँ टेलीप्रॉम्प्टर भी दिखा सकते हैं। मान लिया सपोज कोई कॉपी पर ही लिख कर लाते हैं तो मान लिया वो नहीं कर पाते हैं, पीडीएफ नहीं बना पाते, इतना हम लोग आईटी सेल करेगा कि उसको स्कैन करके पीडीएफ हम यहाँ लोड कर देंगे, इसमें लगा देंगे वहाँ भी लगा देंगे, उसको बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी है कि वह जो कुछ भी जहाँ कहीं भी देखकर बोले इस पर तो उसका व्यूज आएगा, इस पर जो कंटेंट्स हम देखकर बोलेंगे उसका व्यूज हमारे रिकॉर्डिंग में है। इसके पीछे ये कैमरा लगेगा, इसमें कैमरा नहीं है, इसके पीछे ये कैमरा है और ये हमारा ये मैग्नीफायर है जो हमारा टेलीप्रॉम्प्टर का वर्क करता है। तो यह कैमरा हमारा बैक से रिकॉर्ड कर कपड़ा पहन ड्रेस पहन कर आते हैं तो उसकी लाइटिंग उसके हिसाब से होगा। फर्स्टली ये जो ग्रीन जहाँ जितना दूर देख रहे हैं आप इसी के अंदर ही आपको रिकॉर्ड करना होगा। सपोज अगर यहाँ से बोल रहे हैं तो ये ग्रीन जितना पार्ट है ना इस पार्ट के अंदर ही आपको लेक्चर रिकॉर्ड होगा, ये तीनों कैमरा कवर करेगा। दूसरी चीज़ है कि आपको ग्रीन ड्रेस नहीं पहन कर आना है क्योंकि हमारा क्रोमा ग्रीन है, क्योंकि जब क्रोमा कटेगा तो फिर आपका जो ग्रीन पार्ट होगा पूरे वो मतलब कैमरा पर नहीं आएगा, जो बैकग्राउंड लाइट रिव्यू आएगा। तो तीसरी चीज़ ये कि हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, ये टेलीकाउंटर है आप यहाँ से देख कर तो बोल सकते हैं, उसका ये रिमोट है। टेलीकाउंटर में आप जैसे सपोज देखते होंगे कि न्यूज़ चलता है तो न्यूज़ वाले डायरेक्ट देख कर ही बोलते हैं लेकिन वो पता नहीं चलता है क्योंकि उसका कैमरा जो है ना एकदम आई कॉन्टेक्ट पर रहता है। कुलपति मैं के आदेश से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित एडवांस रिसर्च सेंटर में अवस्थित ऑडियो वीडियो मूक लैब में चल रहे 9 दिवसीय कार्यशाला के आज 5वें दिन विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग, विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग तथा गृह विज्ञान विभाग के शिक्षकों की कार्यशाला आज आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए एडवांस रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार ने अच्छी जानकारी दी, इनके महत्व को लैब के महत्व को रेखांकित किया और एडवांस रिसर्च सेंटर में अवस्थित 5 लैबों के बारे में जानकारी दी। तकनीकी टीम के सदस्य गणेश कुमार पासवान, मुकुंद माधव तथा एसपी हसन, इंजीनियर भरत राम भरत चौहान आदि ने तकनीकी पक्षों को रखा और लैब में अवस्थित विभिन्न उपकरणों के बारे में सदस्यों को जानकारी दी।
दरभंगा के प्रमुख उद्योगपति एवं समाज सेवी बद्री प्रसाद महंसरिया के निधन उपरांत उनका नेत्रदान कराया गया। स्वर्गीय बद्री प्रसाद महंसरिया दरभंगा के एक प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवी थे। उन्होंने जीते जी कई संस्थाओं के अध्यक्ष एवं संरक्षण पद को सुशोभित किया। उन्होंने बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की दरभंगा इकाई एवं बाजार समिति व्यवसायी संघ के अध्यक्ष के रूप में समाज को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने अपने जीते जी यह इच्छा जताई थी कि मरणोपरांत उनका नेत्रदान कराया जाए, जिससे कि भविष्य में दो नेत्रहीन व्यक्ति दुनिया देख सके। उनकी इस इच्छा को उनके तीनों पुत्र आनंद कुमार महंसरिया, राजा महंसरिया एवं अशोक महंसरिया ने पूरी शिद्दत के साथ पूरा किया। मौके पर उपस्थित रेड क्रॉस दरभंगा के सचिव मनमोहन सरावगी के सहयोग से एवं ददीची देहदान समिति पटना की प्रेरणा से स्थानीय डीएमसीएच के नेत्र बैंक के डॉक्टर द्वारा उनका नेत्रदान लिया गया। उपस्थित तीनों बेटों के मन में इस बात का सुकून था कि उनके पिताजी अब एक नहीं दो शरीर में रहकर दुनिया को देखेंगे एवं दो व्यक्ति जो आंख न होने के कारण दुनिया नहीं देख पा रहे थे, अब इस दुनिया को उनके पिताजी की नजरों से देखेंगे। उनकी पुत्री शोभा चाचान ने अपने पिता के नेत्रदान पर काफी संतोष व्यक्त किया। परिवार के सभी सदस्यों ने अपने बुजुर्ग अभिभावक का नेत्रदान किया। उपस्थित रेड क्रॉस सचिव मनमोहन ने कहा कि आज का यह नेत्रदान पूरी समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायक कार्य हुआ है। उन्होंने बताया कि यह पूरे मिथिलांचल का पहला नेत्रदान है। समाज के सभी वर्गों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि मरने के बाद जो हम इस शरीर को जला देते हैं या दफना देते हैं, अगर उनके कुछ अंग समाज को समर्पित किए जाए तो न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। आज का यह नेत्रदान समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ये थे अब तक के समाचार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।